अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरबी स्टूडियो से आरबी डायरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ईद का दिन है और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और उसके बाद हम जो सरप्राइज देने वाले हैं आपको वो सरप्राइज ही होगा, तो पहले चलते हैं सरप्राइज की तरफ। ठीक है, चल वाह वाह वाह,
बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगल है। दोस्तों तो हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए था, जो मैंने बोला कि हमारा सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ जो है वो थोड़ा सा तो आपको पता चल गया कि हम कहाँ पहुँचे हैं। ये एक हमारे सिंधी चैनल है, तो हमें दावत मिली थी, हम वहाँ पहुँचे हैं। I'm not going to be able to do that.
अच्छा, इसमें पहले लाइव शोज होते थे, अब रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें ये छोटी छोटी सी मिस्टेक होती रहती हैं। जाहिर बात है लाइव में भी होती हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम में भी होती हैं। जैसे अभी ये बंदा गुजर गया और दूसरा उसके पीछे गुजर गया कैमरा के सामने से, तो ये थोड़े से भंड होते रहते हैं। तो ये जो हम कीबोर्ड पे बैठे हुए हैं, और ये हमारे बहुत अच्छे सिंगर कंपोज़र हाशिम साहब हैं, और जो दो कंपेयर्स हमारी हैं बहुत टैलेंटेड हैं, एक इकरा कुरैशी है, दूसरी जो है वो महवेश कुरैशी है। तो महवेश कुरैशी भी, इनको भी आपने बहुत सारे उर्दू चैनल्स पे, उर्दू ड्रामों में, उर्दू सीरियल्स में देखा होगा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, टैलेंटेड हैं। इकरा कुरैशी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मॉडल भी है, मॉडलिंग भी करती हैं। और जो मेरे बराबर में जो बैठी हुई हैं वो छोटे कद की बहुत बड़ी फनकारा हैं, जिनका नाम साजदा सिकंदर है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है अपना, जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, और ताकि ये खुशी ये होती है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं अब वो उन्होंने अपना अपना काम करना शुरू किया है, क्योंकि जाहिर बात है अब वो वाली बात पहले वाली बात नहीं रही कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो ड्रामों में काम करें, ख़ास तौर पर हमारे जो सिंधी चैनल्स हैं उस पर इतना काम अब हो नहीं रहा, और हो रहा है तो वो वाला काम नहीं हो रहा। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी काम हो, जिस चैनल पे भी काम हो, तो अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ, और हमारे सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये शो है और ईद के हवाले से है, आप देखिएगा। Yeah.
उठिया
दोस्तों कैसा लगा हमारा सरप्राइज? वो कोई खास नहीं था, असल में ये जो सरप्राइज था वो बस कुछ लोगों के लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लाइव शोज देखते रहते हैं और ये लिंकिंग वाले प्रोग्राम जो होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे भी। तो हमारा जो लिंकिंग का प्रोग्राम था वो था आवाज़ टीवी का, तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने से थोड़ा सा वो कहने में तो सरप्राइज था, इतना खास नहीं था सरप्राइज, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको देखने के लिए कि जी ये सरप्राइज है तो देखें। तो उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा छोटा सा एक क्या बोलेंगे इसको, छोटी सी कोशिश जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।